हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतर होंगे। आज कुछ दिनों के बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ। आज हज़ारीबाग झील की तरफ आया तो देखा कि हज़ारीबाग झील को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, लाइट हर जगह और कलरफुल लाइट है। तो कोशिश करेंगे आगे चल करके देखने का कैसा लगता है ये हज़ारीबाग झील रात को और ये लाइट्स में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है लाइट और ये झील। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसा लग रहा है झील। एक तो पहले से ही बहुत खूबसूरत झील है ये। यहाँ बोटिंग भी होती है, यहाँ इसके आसपास पार्क भी है, रेस्टोरेंट भी है। और ये रात को पूरे झील में आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा है तो पूरे जितना भी लाइट वाला पोल है सब में ये कलरफुल LED लाइट लगाई गई ताकि ये लोग इधर आते हैं वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए। तो खूबसूरत और बनाया गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। खूबसूरत लग रहा है। इस झील का मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। अगर दिन में ये झील देखना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो उसमें झील का, हज़ारीबाग झील का बना हुआ है वीडियो, तो वो दिन में दिख जाएगा। लेकिन रात में ये लाइट लगा है तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से बनाना ज़रूरी है, आपको दिखाऊँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर अगर आपको दिख रहा अंधेरा है वैसे, ये लेफ्ट साइड में इंदिरा गांधी गर्ल्स स्कूल है, ये उसका गेट है। और फिर इसके दोनों तरफ पानी है इधर भी, और ये साइड लेफ्ट राइट दोनों साइड झील है। और लोग रात में इधर वॉकिंग के लिए आते हैं, 5 से 8 ये बंद रहता है। पाँच साठ ये हम पे बाइक और कार आप नहीं ले जा सकते। 5 से 8 आप इधर बाइक सुबह भी और शाम में भी नहीं ला सकते ना कार, क्योंकि ये एरिया में लोग वॉकिंग करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, तो सिर्फ उनके लिए ही खुला होता है। आपको अगर आना है गाड़ी से तो बाहर लगाना होगा, फिर वहाँ यहाँ से वॉक करना होगा या जॉगिंग करना होगा। आपको मॉर्निंग में भी रश मिलेगा इधर रोड जॉगिंग के लिए, और शाम में भी मिलता है। ये रोड अगर आप सीधे चले जाएंगे तो पटना रांची हाईवे चला जाएगा, लेकिन हम लोग इधर राइट जाएंगे। ये झील के किनारे किनारे ये रास्ता बना हुआ है। आप देख रहे हैं इधर चारों तरफ झील है और लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं। लाइट लगी है, लाइट और इस पोल को कलरफुल लाइट से सजाया गया। तो आप देख रहे हैं सब वॉकिंग करने के लिए आए हैं, ये चारों झील है, लोग इधर बैठने का भी बना हुआ है, लोगों को ठंडी हवा गर्मी से राहत भी मिलती है इधर। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है हज़ारीबाग का, और यहाँ बहुत सुकून भी मिलता है। चलिए और देखते हैं आगे। ये झील की खूबसूरती को, कितना भी गर्मी हो आप यहाँ पे आ जाइए शाम में, आपको उसका अलग ही मज़ा मिलेगा। बहुत ठंडी हवा चलती है इसी झील में, आपको बोट भी चलता है। तो शाम में आप अगर आएंगे तो आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। पोल कितना खूबसूरत लग रहा है ये लाइट लगने के बाद।
कुछ शॉप भी किनारे किनारे बना हुआ है, किसी को लेना है कुछ खाने पीने का। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, पार्क भी है, तो मैं भी वो भी दिखाता हूँ आपको। ये राइट साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आप बोट कर सकते हैं, यहाँ से बोट मिलेगी आपको। और ये जो दिख रहा है ये पार्क है, स्वर्ण जयंती पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, तो आप पार्क भी जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। एक और पार्क इसी से लगा हुआ है, ये एक्चुअली ज़्यादा चिल्ड्रन पार्क बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे खेलने का बहुत है। ये इधर है पार्क, इसका नाम है सारले पार्क। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए खेलने का बहुत है इस पार्क में। ये देख रहे हैं भीड़, ये सारले पार्क का गेट है। और यहाँ पर कुछ काउंटर्स खाने पीने के बने हुए हैं, यहाँ पर ई रिक्शा लगा हुआ है, यहाँ लोग आते हैं ये पार्क में बच्चे लेकर के घूमने के लिए। और यहाँ पर रश भी रहता है, देखते हैं क्राउड। अभी तो रात हो गया, ज़्यादा तो अब कम हो गया, अब शाम के टाइम आएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी। तो कैसा लगा दोस्तों आपको यह हज़ारीबाग झील रात में? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वालिटी इस मोबाइल से बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा लो है, तो उसके लिए माफ़ करें। तो वो मोबाइल बन जाएगा तो क्वालिटी भी आपको अच्छा मिलने लगेगा। चलिए मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।